नमस्कार, मैं अनय प्रताप सिंह, प्रिंसिपल राजा कमलाकंठ कॉलेज शंकरगढ़ प्रयागराज। सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं राजा कमलाकंठ कॉलेज शंकरगढ़ प्रयागराज, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी के कारण संकट ग्रस्त है। उसके चलते हमारी सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन कर दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान हमें सुरक्षित रहना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है और इसी के तहत हमें अन्य कार्य भी करने हैं। लॉकडाउन के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई है, पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के सार्थक कदम का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बच्चों का नुकसान न हो, बच्चे घर पर रहकर पढ़ें, इसलिए सरकार ने ई लर्निंग तथा ऑनलाइन के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में मैं अपने शिक्षिकाओं को धन्यवाद देता हूं, जो कि समय रहते हुए कक्षाओं का वर्गवार व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। कल दिनांक 20 अप्रैल से ऑनलाइन ई लर्निंग के माध्यम से पठन पाठन शुरू होगा। मेरा विद्यालय भी इस मुहिम में शरीक है और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि हमारे शिक्षक अपने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो बना लिए हैं और वो तैयार हैं ई लर्निंग के माध्यम से पठन पाठन करने के लिए। यहां मुझे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है कि विद्यालय द्वारा जो स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है, वीडियो द्वारा, पीडीएफ द्वारा, उसका तो प्रयोग होगा ही, साथ में शिक्षा विभाग द्वारा अन्य स्टडी मटेरियल जो उपलब्ध होंगे उसका भी सदुपयोग किया जाएगा, छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसी क्रम में मैंने दीक्षा ऐप डाउनलोड कर दिया है, उसके तहत भी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। मैंने विद्यालय में कक्षावार समय सारणी बना दिया है, जो सभी ग्रुप पर उपलब्ध है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे, सभी शिक्षक कल सुबह से समय सारणी के अनुसार पठन पाठन ऑनलाइन करेंगे। छात्रों को मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे सब्जेक्ट टीचर सभी समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो तो उनसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं और अपनी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज
मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक को धन्यवाद देता हूं, जो कि इस मुहिम में सभी छात्रों को और शिक्षकों को जोड़ा गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।